हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें एक 8 साल के बच्चे को किडनैप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो उस केस के सारे फैक्ट्स क्या थे और उस केस में सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या आदेश दिए गए, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस केस के फैक्ट ये थे कि एक 8 साल का बच्चा जब अपने घर पर नहीं पहुंचा तो उनके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर के एक FIR रजिस्टर करवाई और पुलिस ने प्राइमा फेसाई उस केस को किडनैपिंग का केस मानते हुए सेक्शन 363 ऑफ इंडियन पिनल कोड में वो FIR रजिस्टर की। सेक्शन 363 किडनैपिंग का सेक्शन है और उसमें ये है कि जब भी किसी पर्सन को अगर कोई अदर पर्सन किडनैप कर ले तो उसके अंतर्गत पुलिस के द्वारा जाँच की जाती है। तो ऐसे में जब पुलिस ने सेक्शन 363 ऑफ इंडियन पिनल कोड में वो FIR रजिस्टर की और अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो पुलिस ने उस सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे पूछताछ की और उनमें यह बात सामने आई कि उस 8 साल के बच्चे के बारे में कुछ दिनों पहले ही एक 20 से 25 साल के बच्चे ने पूछा था और उसके बारे में जानकारी ली थी। तो फिर ऐसे में पुलिस को यह संदेह हो गया कि उस बच्चे को किडनैप किया गया है फिरौती के लिए ही, मीन्स पैसों की मांग के लिए। और उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो फिर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन तब तक उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी थी। जब उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो उसमें बच्चे की बॉडी भी रिकवर कर ली थी पुलिस ने। तो फिर ऐसे में ये सामने आया कि यह केस सेक्शन 363 ऑफ इंडियन पिनल कोड का ही नहीं है, बल्कि सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 364A ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड का है। सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि जब भी कोई एक या एक से अधिक लोग कोई भी अगर कॉमन इंटेंशन में कोई काम करते हैं तो उन सभी को सेम अपराध का आरोपी माना जाएगा, तो वो सेक्शन लगा। इसके अलावा सेक्शन 364A ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि जब भी फिरौती की मांग के लिए किसी को अगर किडनैप किया जाए तो उसमें सेक्शन 364A अप्लाई होगा। इसके अलावा सेक्शन 302 मर्डर मीन्स हत्या का केस है। तो इन सभी सेक्शंस में पुलिस के द्वारा अपना चालान पेश कर दिया गया। जब कोर्ट में वह केस चला तो कोर्ट में यह पूरी तरीके से प्रूव हो चुका था कि इन दोनों पर्सनों ने उस 8 साल के बच्चे की हत्या की, उसे सबसे पहले फिरौती के लिए किडनैप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो फिर ऐसे में सेशन कोर्ट ने सेक्शन 34, सेक्शन 364A ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड का अपराध साबित मानते हुए दोनों अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी, क्योंकि सेक्शन 364A में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। इसके अलावा उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सज़ा भी दी जा सकती है। तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा। साथ में ही सेक्शन 302 भी यही कहता है कि किसी के द्वारा भी अगर किसी भी पर्सन की अगर हत्या की जाए तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, इसके अलावा LI मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है। तो जब दोनों ही सेक्शंस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी थी और दोनों अक्यूज्ड को सेशन कोर्ट के द्वारा 4 फरवरी 2016 को डेथ पेनल्टी मीन्स फांसी की सज़ा सुना दी। जब सेशन कोर्ट के इस आदेश के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में इन दोनों अक्यूज्ड ने पिटीशन फाइल की तो हाई कोर्ट ने बहुत ही जल्दी उस केस में सुनवाई करते हुए 5 मई 2016 को उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो फांसी की सज़ा का आदेश दिया गया है वो बिल्कुल सही है और वो ही बरकरार रहेगा। तो फिर हाई कोर्ट के इस आदेश के अगेंस्ट में इन दोनों अक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की। तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस में सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सुनवाई करने के बाद में ये आदेश दिए कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी कई केसेस में ये कहा जा चुका है कि डेथ पेनल्टी की सज़ा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए। ऐसे ही हर किसी केस में अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।
तो फिर इस केस में भी सेम यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मानते हुए उन दोनों ही अक्यूज्ड की फांसी की सजा को रिजेक्ट कर दिया जो कि ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के द्वारा दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन दोनों अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन यह डाल दी कि इन्हें 25 वर्ष तक के लिए कोई रिमिशन नहीं दिया जाएगा, मीन्स किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी 25 ईयर्स तक, मीन्स इन्हें 25 वर्ष जेल में सबसे पहले कंटिन्यूसली गुजारने होंगे और 25 साल तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ये कंडीशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई हत्या का कोई अपराध हो या फिर कोई ऐसा सेक्शन अप्लाई हो जहां पर डेथ पेनल्टी की सजा बताई गई है कानून में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट के द्वारा उन अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की सजा ही दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि डेथ पेनल्टी हाईएस्ट पनिशमेंट है और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए। ऐसे ही हर किसी केस में डेथ पेनल्टी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।